energetic and very helpful attempt by the students of Prince Institute of Computer Science. Morning batch student has been completed their presentations by their energetic soul, and they have presented a very well being presentation by the short time. And I'm feeling very, very lucky that I'm the host here, and I'm conducting these memorable or historic presentation by today. I can't forget the date, like 20 of April 2024 is a memorable date for me in my life. So I was really thankful to God and to the students that I am here to conduct the presentations by day. So I would like to appreciate and a round of applause for Aditya Jaiswal, class 11th, Mount Litera Z School. Come here. Good morning, sir. Good morning, my dear friends. My name is Aditya Jaiswal. Today I am represent in history of computer. First, we know that history of computer. History मतलब ऐतिहासिक. हम लोग कंप्यूटर के बारे में लोग ऐतिहासिक चीज़ जानेंगे. फर्स्ट एबेकस, ऑर्गेनाइज्ड हेड कैलकुलेटिंग मशीन. ये हम लोग कैलकुलेटिंग करते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होता था. ये BC 3000 में ये हुआ था बेबीलोन्स के द्वारा. नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर, 1617 में हुआ था. ये जॉन्स नेपियर ने ये किए थे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हुआ था. ये दूसरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है. स्लाइड रूल, विलियम ऑर्थनेट इन इंग्लैंड 1632. ये लॉगरिथम रूट के लिए यूज हुआ था. ये इसमें मोस्ट कॉमन बिफोर द डिप्लोमेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के लिए हुआ था. ये मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये अर्थमेटिक के लिए यूज हुआ था. इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ के लिए होता था. बलास पास्कल ने ये किया था 1642 में. आगे से पंच कार्ड को हम लोग IBM कार्ड भी कहते हैं. IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. इसे हम लोग फ्रेंचमैन जोसेफ मैरी ने बनाया था. ये हार्ड डिस्क के लिए यूज होता है. ये ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी काम करता है. थैंक यू सर फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माय नेम इज प्रियांशु विश्वकर्मा. आई रीडिंग फॉर कंप्यूटर. आई एम गोइंग टू प्रेजेंट कंप्यूटर. Computer is advanced electronic device which capable of performing automatic and non-automatic pressure under the constraint of structure. Computer दो पार्ट हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर बॉडी का नाम है, और सॉफ्टवेयर जैसे आत्मा होती है शरीर की, वैसे वो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर. इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज. इनपुट होता है डाटा को लेना, और प्रोसेसिंग होता है किसी काम को मतलब कोई काम देना रहता है उससे प्रोसेसिंग करना. आउटपुट मतलब बाहर के लिए, मतलब जो काम दिए हैं वो हमको दे, और स्टोरेज वो याद रखे. थैंक यू. Good morning, sir. Good morning, friend. My friends. I'm Sachin Singh. My topic is generation of computer. Generation of computer, sir. Shuru sir. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन 1942 टू 1955, ये 13 साल चला. और टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब, एक तरह का हैलोजन बल्ब था, और वो बल्कि इन साइज मतलब साइज में बड़ा, एक कमरे के जितना बड़ा था. उसको कहीं ले जा नहीं सकते थे, और हाई पावर कंजप्शन, तो वो ज़्यादा बिजली यूज़ करता था, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था. नीड टू AC और AC एयर कंडीशनर, और नॉट पोर्टेबल, उसको कहीं ले जा भी नहीं सकते थे. और कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एडवैक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडजैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1965, टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर,
रेड्यूस्ड इन साइज एंड फर्स्ट जनरेशन, मतलब साइज में फर्स्ट जनरेशन के मुताबिक छोटा था और रेड्यूस पावर कंजप्शन, थोड़ा सा पावर कम हुआ और नीड टू एसी नॉट पोर्टेबल और प्रोग्रामेबल था वो फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले। कंप्यूटर ऑफ सेकेंड जनरेशन IBM 1401, IBM 1620, IBM 7094, IBM 901 और थर्ड जनरेशन 1966 टू 1975। टेक्नोलॉजी SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट एंड रेड्यूस इन साइज, फास्टर चीपर देन सेकेंड जनरेशन। मतलब सेकेंड जनरेशन के मुताबिक जो फास्ट था और चीपर था, मोर रिलायबल, नीड नॉट नीड टू एसी एंड पोर्टेबल, मतलब सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन के मुताबिक वो पोर्टेबल हो गया। कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन इन IBM 360, ICL 2900। थैंक यू एवरीवन। सो वेरी वेल सेड बाय श्रुति मिश्रा। नाउ द टॉपिक विल डिस्कवर बाय जमाल अहमद खान, सो आई वुड लाइक टू क्लैप हैंड्स फॉर हिम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जमाल अहमद। माय प्रेजेंटेशन इज कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1966 से 1975 तक था। इसमें टेक्नोलॉजी सर SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन IC का यूज किया गया था। रिड्यूस इन साइज में छोटा था। फास्टर एंड चीपर सर, पुराने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से तेज और चालाक था। मोर रिलायबल ये सर, इसमें भरोसेमंद था। नॉट नीड टू एसी, इसमें अब एसी की ज़रूरत नहीं थी। पोर्टेबल, अभी इसको कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते थे। इसमें दो कंप्यूटर थे सर, IBM 360, ICL 2900। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसमें सर VLSI का यूज किया गया था। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें माइक्रो प्रोसेसिंग चिप का यूज किया गया था। फास्टर चीपर देन थर्ड जनरेशन, ये तीसरे जनरेशन से तेज था। रिड्यूस इन साइज में छोटा ही था। लेस पावर कंजप्शन, अब ये बिजली का यूज ज़्यादा नहीं करता था। कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्लैमटॉप। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। ये वेरी फास्ट था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको AI भी कहा गया था। लॉजिकल एबिलिटी, रोबोटिक पैरेलल प्रोसेसिंग, इसको रोबोट बनाने के लिए भी किया गया था। साइंटिफिक कोड, क्लैप हैंड्स फॉर अर्पिता। Now she is going to discover and explore the topic about Tally Prime. Prime is the upgrade version of Tally. Now she will explain. Clef and Soha. Good morning, sir, and good morning, everyone. Today's my topic is group. So group is a collection of many ledgers, items, and persons. There are 28 group in Tally Prime. This is divided into two parts: primary group and subgroup. So first of all, I am telling about capital account. So capital account जो होता है, जब कोई व्यापारी व्यापार को प्रारंभ करता है तो जो वो धनराशि लगाता है उस धनराशि को हम capital account कहते हैं। फिर है हमारा reserve and surplus। जब व्यापार में होने वाली आपदाओं से बचने के लिए जो धन हम बचा के रखते हैं उस धन को हम बोलते हैं reserve। और उस धन के बस जाने पर जो हमें प्रॉफिट होता है, वो जो धन होता है जो बचा रहता है, उस धन को हम बोलते हैं सरप्लस। फिर है हमारा करंट एसेट्स वो होता है जो जिसको हम एक साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं
जिसका हम सफलतापूर्वक कैश के रूप में, नगद के रूप में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किसी भी व्यापार को जब बैंक में वो जाता है, जो धनराशि जमा करता है बैंक अकाउंट में, उसे हम बैंक अकाउंट कहते हैं। फिर है हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड वो होता है जो हम कैश के रूप में या फिर नगद के रूप में जिस कैश को हम ट्रांजेक्शन करते हैं, वो हमारा कैश इन हैंड होता है। फिर हमारा डिपॉजिट। डिपॉजिट वो होता है जो लंबे वर्ष के लिए किसी संस्था में, जब कोई व्यापारी लंबे अवधि के लिए जिस धनराशि को जमा करता है, वो हमारा होता है फिक्स डिपॉजिट। फिर है हमारा लोन एंड एडवांस। जब व्यापारी अपने किसी कर्मचारी या मित्र को धनराशि उधार के रूप में देता है, उस धनराशि को हम लोन एंड एडवांस कहते हैं। थैंक यू। वेरी वेल एक्सप्लेन बाई शिवांगी यादव। शी वॉज यू नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स वाइल शी इज़ यूजिंग द बेसिक लैंग्वेज टू मेक अ मैन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। सो ईजिली एवरी वन कैन, आई होप सो एवरी वन कैन अंडरस्टैंड वेरी ईजिली इन अ ग्रेट फॉर्म। सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट द नेक्स्ट स्टूडेंट सलोनी सिंह। नाउ शी विल एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। क्लैप एंड सो हर। Good morning, sir, and my dear friend. My name is Saloni Singh. Today I am standing here to represent my presentation, and my presentation topic is what is computer. What is computer? Computer is an electronic device. जैसा कि हम सब थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कोई हमको बता सकता है क्यों ये लाइन यूज़ किया गया है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? एनीबॉडी? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है। हाँ, यस, बिकॉज क्योंकि इसमें, जैसे कि इन्होंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर कैन नॉट रन। दैट्स वाई कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कि अर्थमेटिक का मतलब हम बताना चाहते हैं। अर्थमेटिक मीन्स होता है कि इसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, बट इन नॉन अर्थमेटिक वी कैन ओनली से ट्रू फॉल्स एस नो, दिस थिंग ओनली। नाउ कंप्यूटर इज इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर मीन्स होता है कि जिसको फिजिकली हम टच कर सकते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। एंड सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट सी योर नेकेड आइज, हम अपने खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं, वो प्री डिफाइंड होता है, उसको हम कंप्यूटर के अंदर डाल दिया जाता है उसको। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर जो होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहेंगे। जैसे कि मैंने शिवानी से बोला कि शिवानी कल तुम ये चैप्टर याद करके आना। शिवानी को मैंने बोला, शिवानी ने इनपुट लिया, घर पे गया, उसने याद किया, प्रोसेसिंग किया, याद किया तो प्रोसेसिंग किया, उसके बाद आके उन्होंने मुझे सुनाया तो आउटपुट दे दिया, ठीक है। फिर मैंने कल इससे कहा कि शिवानी तुम फिर से ये याद करना। शिवानी कहे मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि बार बार वही चीज़ याद करके आऊँगी, क्योंकि उसने दिमाग में स्टोर कर लिया ना कि कल भी दी थी, आज भी दे रही है, मुझको पागल समझ रही। तो ये हो गया स्टोरेज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि फास्ट स्पीड है, ठीक है। कंप्यूटर हमको बहुत जल्दी वर्क करता है, बहुत फास्टर वर्क करता है। एक्यूरेसी जो है हमारा, एकदम 100% सही रिजल्ट ही वो देगा, इस चीज़ का हमको कन्फर्मेशन रहता है। और डिलाइजेड होता है, वर्सेटाइल होता है, वास्ट स्टोरेज होता है, नो इमेज।